गौहर गौहर करूं अपने मन में बिठा के तुझे या गौहर, अपने मन में बिठा के तुझे या गौहर। गौहर गौहर करूं मैं गौहर करूं यार यादे गौहर शाही, यार यादे गौहर शाही, यार यादे गौहर 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 करूं मैं गौहर गौहर करूं जलवा रहे अब यूं ही सामने, तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने, तेरा जलवा रहे अब यूं ही सामने, तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने, ऐसे दर्शन करूं मैं तेरे दर्शन करूं गौहर गौहर करूं यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूं मैं गौहर गौहर करूं अब वो इल्म बातन क्या है। कुरान मजीद में अलफ लाम मीम, तुम कहते हो अरूफ मकत्यात, आगे चलो, लेकिन अलफ लाम मीम तरीकत है, आगे शरीयत है। अलफ लाम मीम ज़कूरियत में है, अलफ लाम मीम से नूर से हदायत है। कुरान मजीद फरमाता है कि कुछ लोग हैं जिनको नूर से हदायत है। एक बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अमरोजी, उनको राजी अल फरीकैन कहते हैं। उन्होंने तरीकत वालों को जिक्र अल्लाह से सुधारा और शरीयत वालों को कुरान मजीद से सुधारा। अब दोनों फरीक उनसे राजी थे। जब वो शरीयत वालों में बैठते हैं तो यही पता चलता है कि पक्के मौलवी हैं, इनको दरवेशी से कोई तलक नहीं है। लेकिन जब दरवेशों में बैठते तो वो कहते हैं कि पक्के दरवेश हैं, इनको मौलवियों से कोई, उनको राजी अल फरीकैन कहते हैं। अब वो अलफ लाम मीम है, कुरान मजीद का पहला लफ्ज़, अलफ अल्लाह ही है, इसमें ज़ात है, आगे लाम ला इलाहा इल्लल्लाह नफी इस्बात है, आगे मीम मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह का जिक्र करता रहे, या ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर, या मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र कर, सुभानअल्लाह, इससे तुझे नूर से हिदायत हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकता है तो फिर कुरान से हिदायत पा। सभी सुल्तान मौ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कोई जहरी आलम नहीं था, मैंने किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान मजीद का पहला लफ्ज अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह करता रहा, कई साल तक अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह अल्लाह से मेरा सीना मुनव्वर हो गया। जब मेरा सीना मुनव्वर हो गया तो हजूर पाक ने मुझे सीने से लगा लिया, वो इल्मे बातनी मेरे सीने में खुद बखुद ही आ गया। जिस तरह जहरी इल्म के लिए सफेद कागज चाहिए, इसी तरह बातनी इल्म के लिए सफेद सीना चाहिए।